हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है हिबिस्कस प्लांट पे। हिबिस्कस को कहीं कहीं जासून बोलते हैं, जासवंती भी बोलते हैं, और हम लोग इसको गुड़हल बोलते हैं। तो ये गुड़हल का पौधा है और इसके बारे में आज आपके संग जानकारी थोड़ी सी शेयर करूंगी और मेरा एक्सपीरियंस भी। फ्रेंड्स, इसको मैं लेके आई थी नर्सरी से, बहुत छोटा प्लांट लेके आई थी, और लाने के बाद मैंने इसको अपने गमले में शिफ्ट कर दिया था। और गमले की जब मिट्टी बनाई थी तो उसमें मैंने गोबर की खाद वो बहुत अच्छे मात्रा में मिलाई थी। और तब तो ये पौधा बहुत छोटा था और इतने अच्छे से ब्लूम नहीं किया। मेरे यहाँ इसको लगे हुए 4 साल हो गए हैं और मैंने इसकी कटाई छटाई करके इसको इतना घना बना दिया है, तो बिल्कुल ये बुशी प्लांट हो गया है। और इसी वजह से इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग इतनी अच्छी होती है, उसी के संग संग इसमें कलियाँ भी बहुत अच्छे से आती हैं। और जब ये डोरमेंसी में होता है तभी इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही फ्लावरिंग देता रहता है। फ्रेंड्स, बात करूँ मैं इसके सनलाइट की, तो इसको ओपन एरिया में मैंने रखा हुआ है, मैंने इसको खुले टेरेस में रखा है और ऐसे ही रहता है ये। और वाटरिंग इसको बहुत पसंद है, मैंने जब देखा है, अगर मैं एक दिन पानी डालना भूल जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, अगली मॉर्निंग में जब मैं आती हूँ तो देखती हूँ इसकी सारी पत्तियाँ झुकी हुई रहती हैं, तो जब भी पानी डाल देती हूँ तुरंत ये वैसे का वैसा हो जाता है। तो इतनी अच्छी ब्लूम शायद इसलिए भी है क्योंकि ये थोड़ा सा इसी टाइम पे, जो ये हमारा बारिश के बाद का टाइम होता है और जब ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आता है इस टाइम पे, और इसी के आसपास जैसे आज अक्टूबर की पहली तारीख है, तब भी देखिए कितने अच्छे से ये हमारे यहाँ ब्लूम कर रहा है। तो ये सीज़न इसके लिए मैंने देखा है परफेक्ट होता है और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। तो ये मेरा देसी वैरायटी का हिबिस्कस है। हिबिस्कस में कई तरह के फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। देसी वाला है ये, बिल्कुल रेड कलर वाला, और इसमें डबल पेटल भी आता है, वो भी प्लांट मेरे पास है लेकिन उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और इसमें कलर ऑप्शन बहुत आते हैं और साइज़ वाले ऑप्शन भी बहुत आते हैं, बहुत बड़े साइज़ का गुड़हल भी आता है और कई कलर में भी आते हैं ये प्लांट।